हे एवरी वन वेलकम टू माई चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने स्टेटिस्टिक्स का क्वार्टल डेविएशन कवर किया है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो क्वार्टल डेविएशन के बारे में आज हम बहुत ही क्विक रिव्यू लेंगे जिसमें तीनों मेथड कवर होगी इंडिविजुअल डायरेक्ट एंड कंटिन्यू सीरीज उसके पहले मेरी एक सेम लाइन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, 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 प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक like ज़रूर करें तो चलिए स्टेटिक्स का जो एक क्वार्टल डेविएशन वाला टॉपिक है इसमें तीन मेथड्स होती हैं इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ से तो फर्स्ट मेथड है इंडिविजुअल सीरीज़ इसमें हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन तो क्वेश्चन आएगा फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड आपको जो सीरीज़ है वो सिंपल नंबर्स के फॉर्म में दिए ट्वेंटी ट्वेंटी एट फोर्टी टू सॉरी फोर्टी ट्वेल्व थर्टीन थर्टी फिफ्टीन एंड फिफ्टीन ओके okay, तो सबसे पहले इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है फर्स्ट स्टेप है अरेंज ऑल right इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट इन फ्रंट ऑफ सीरीज़ इन सबको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमा के सीरीज़ के सामने लिखना है जैसे सबसे छोटा कौन सा है ट्वेल्व तो ट्वेल्व लिखेंगे आप ट्वेंटी के सामने ओके okay, उसके बाद कौन सा है फिफ्टीन तो आप ट्वेंटी के सामने फिफ्टीन लिखेंगे तो फिफ्टीन के बाद कौन सा नंबर बड़ा है ट्वेंटी बड़ा है तो ट्वेंटी लिखेंगे आप इसके सामने ट्वेंटी के बाद कौन सा बड़ा नंबर है ट्वेंटी बड़ा है तो ट्वेंटी लिखिए ट्वेंटी एट से बड़ा कौन सा नंबर है थर्टी तो थर्टी एंड देन फिर फोर्टी एंड देन फिर फिफ्टी क्लियर ये आपने असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर लिए देखिए क्वार्टल डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 थ्री माइनस क्यू वन अपॉइंट टू क्वार्टल डेविएशन इक्वल टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉइंट टू तो अब ये Q3 क्या है एंड Q1 क्या है तो हम ये देख लेते हैं ओके देखिए बेसिकली क्वार्टल का मतलब होता है फोर ठीक है क्वार्टल का क्या मतलब होता है फोर तो ये क्या करता है ये वन बाई फोर टाइम कर देता है वैल्यूज को तो Q1 का फॉर्मूला जो है वो होता है n प्लस वन बाय फोर और Q3 का फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाय फोर इंटू थ्री ओके क्योंकि Q3 है इसलिए आपने क्या करा थ्री से मल्टीप्लाई किया और Q1 था आपके पास तो आगे यहाँ पर क्या है वन है ओके तो Q1 के लिए ये फॉर्मूला है Q3 के लिए ये फॉर्मूला है एंड अब आपका n क्या है तो n जो है वो आपका होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो आपके पास सेवन ऑब्जर्वेशंस है तो एन बराबर कितना हो जाएगा सेवन अब आप यहाँ पर एन की वैल्यू रख दीजिए तो सेवन प्लस वन अपऑन फोर तो सेवन प्लस फोर एट 2, एट यानी सेकेंड टर्म ठीक है टू के आगे आपको क्या लगा देना है टर्म सेकेंड नंबर की टर्म ओके okay. तो सेकंड नंबर की टर्म कौन सी है आपकी देखिए फर्स्ट नंबर की टर्म ये सेकंड नंबर की टर्म ये है, तो सेकंड नंबर की टर्म कौन सी है फिफ्टीन तो यानी जो आपका क्यू वन आया वो कितना आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा ओके okay.

ओके okay, अब टर्म आप चेक करिए टेबल में कौन सी थी तो देखिए जो आपकी सिक्स टर्म है वो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके तो सिक्स टर्म कितनी है फोर्टी तो क्यू थ्री की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सिक्स टर्म सिक्स टर्म मतलब फोर्टी और क्यू वन की वैल्यू थी सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म्स मतलब फिफ्टीन ओके okay, तो फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन और फोर्टी क्यू वन और क्यू थ्री आ गया ठीक है अब हम डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू ठीक है तो देखिए क्यू थ्री की वैल्यू कितनी है आपके पास फोर्टी क्यू वन की वैल्यू कितनी आई फिफ्टीन और अपॉन टू कर दीजिए सॉल्व करिए इसको फोर्टी माइनस फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉइन्ट टू ट्वेंटी फाइव टू को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए तो कितनी बार में जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव ओके तो अब हमको निकालना है कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एक चीज़ हमने निकाल ली अब हम सेकेंड चीज़ निकालेंगे तो देखिए कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन तो Q3 की वैल्यू है 40, Q1 की वैल्यू है 15, तो Q3- थ्री माइनस क्यू मतलब 40 माइनस फिफ्टीन अपॉन में Q3+ थ्री प्लस क्यू वन दट मीन्स फोर्टी प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ नेक्स्ट तो 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 सीरीज? सीरीज. देखते हैं हम सेकेंड मेथड डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्वार्टल डेविएशन निकालना ठीक है तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या क्या गिवन होगा आपको एक सिंपल मार्क्स या कुछ भी वाली टेबल गिवन होगी देखिए इस टाइप से नहीं गिवन है ना क्लास इंटरवल नहीं गिवन होगा आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू गिवन होगी ठीक है मार्क्स गिवन होंगे और प्लस फ्रिक्वेंसी गिवन होगी एफ फ्रीक्वेंसी मतलब चाहे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ मार्क्स या कुछ भी हो सकता है ठीक है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है और मार्क्स गिवन है तो ये आपका हो जाएगा टेन ट्वेंटी ये दे रखा है आपको और उस प्रकार से आपको फ्रीकवेंसी की भी वैल्यू दे रखी है ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या निकालेंगे सबसे पहले आप सी एफ निकालेंगे सी एफ ओके क्यूमुलेटिव फ्रिक सी एफ में बेसिकली हम क्या करते हैं इस नंबर्स को ऐड कर दे तो फोर एज इट इज़ फोर में सेवन इलेवन का एड करेंगे तो कितना आएगा इलेवन फिर सेवन में सिक्सटीन को एड सेवन में फिफ्टीन को ऐड कर दीजिए सॉरी इलेवन में फिफ्टीन को ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ठीक है फिर ट्वेंटी सिक्स में एट को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा थर्टी फोर थर्टी फोर में सेवन को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा फोर्टी वन एंड फोर्टी वन में टू को ऐड कर दीजिए तो आपको आ जाएगा फोर्टी थ्री एंड ये जो आपका लास्ट नंबर आया है इसको हम मानेंगे कैपिटल एन ओके कैपिटल एन मानेंगे ठीक है अब हम डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉइंट टू ठीक है कोई सी भी मेथड हो आपका फॉर्मूला यही होगा लेकिन आपकी ये वैल्यूज चेंज हो जाती है बस ठीक है तो अब अगर आपके पास ये वाली सीरीज है तो आपको क्या करना है एन प्लस वन बाय फोर अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो आपको यूज करना है कौन सा फॉर्मूला एन प्लस वन बाय फोर और थ्री इंटू एन प्लस वन बाय फोर क्यू थ्री के लिए हो जाएगा थ्री इंटू एन प्लस वन बाय फोर और क्यू वन के लिए एन प्लस वन बाय फोर और एन की वैल्यू आपने क्या मानी यहाँ जो निकली है रखिए वैल्यू फोर्टी थ्री प्लस वन बाय फोर देट मीन्स फोर्टी थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा फोर्टी फोर बाय फोर कितनी बार में जाएगा इलेवन बार में ठीक है सिमिलरली थ्री इंटू एन प्लस वन बाय फोर की वैल्यू कितनी आई एन प्लस वन बाय फोर ये निकाला आपने इलेवन आया तो इंटू इलेवन कर दीजिए तो ये इलेवन है इंटू थ्री तो थ्री एलेवन सा थर्टी थ्री तो अब आपका जो क्यू थ्री आया वो थर्टी थ्री आया और क्यू वन आया वो इलेवन आया ठीक है ये ध्यान रखिए कि ये ये वाली वैल्यूज नहीं है ठीक है इसकी हेल्प से हमको टेबल में देखना है कि टेबल में ये कौन सी वैल्यू है ठीक तो है तो देखिए इलेवन इलेवन को ढूंढिए सी एफ में सी एफ में इलेवन को ढूंढेंगे तो ये रहा ठीक है उसी प्रकार से Q3 की वैल्यू 33, 33 को ढूंढिए CF के टेबल में थर्टी तो थ्री आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन थर्टी थ्री से ज्यादा नंबर कोई सा है तो थर्टी थ्री से ज्यादा नंबर जस्ट ज्यादा जस्ट ज्यादा कौन सा है थर्टी फोर ठीक है मतलब आपको थर्टी थ्री से बड़े तीन नंबर दिख रहे हैं एक ये एक ये और एक ये तो आपका कौन सा लेना है जो इसके जस्ट बाद में आता हो है ना मतलब जो इसके बाद में पहले आता हूँ तो इसके बाद में पहले कौन सा आता है थर्टी फोर तो आपको इस थर्टी फोर और इस एलेवन नंबर को ध्यान रखना है ओके तो अब अगर हम टेबल में देखते हैं तो इलेवन जो है इलेवन के सामने कौन है ट्वेंटी तो आपका के कि किसका था Q1, तो ट्वेंटी Q1 आ, आ जाएगा ओके उसके बाद आपका क्यू थ्री कितना था थर्टी थ्री था क्यू थ्री तो की वैल्यू कितनी थी थर्टी थ्री और थर्टी थ्री किसके अंदर लाए कर रहा है थर्टी थ्री आ रहा है थर्टी फोर के अंदर तो थर्टी फोर के सामने कौन सी वैल्यू लिखी है फोर्टी ठीक है तो आपका q3 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको वैल्यू यहाँ से देखकर यहाँ पर मार्क करनी है ओके तो ये आपका q1 हो गया कितना 20 और q3 हो गया कितना 40 ओके अब इसको आपको यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देना है फॉर्मूले में तो यहाँ पर फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा q3 की वैल्यू रखिए q3 की वैल्यू रखिए 40 minus. q1 की वैल्यू रखिए 20 2 घटाइए तो फोर्टी माइनस ट्वेंटी हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन टू दैट मीन्स कितना आ जाएगा टेन ठीक है तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया टेन आ गया उसी प्रकार आप कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लीजिए तो कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन तो देखिए क्यू थ्री की वैल्यू ये क्यू क्यू थ्री की वैल्यू फोर्टी क्यू वन की वैल्यू ट्वेंटी रखिए तो क्यू थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टी माइनस ट्वेंटी अपॉन फोर्टी प्लस ट्वेंटी ओके एड कर दीजिए तो 40 में से 20 गए तो 20 बचेंगे और 40 में 20 ऐड किया तो 60 हो जाएगा अब क्या होगा देखिए जीरो से जीरो कैंसिल तो 2 6 बचा, 2 जा टू बा टू वन जार टू टू थ्री जर सिक्स तो वन बाय थ्री ओके तो जो कोफिशंट आ गया गयािएशन का वो कितना आ गया है डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो ये हो गया कौन सी मेथड आपकी ये हो गई आपकी डिस्क्रीट सीरीज ठीक है अब बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज पर कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल दिया है देखिए ये है आपका बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन फॉर कंटिन्यूस सीरीज ठीक है कौन सी सीरीज के लिए कंटिन्यूस सीरीज के लिए सीरीज देख लीजिए कंटिन्यू सीरीज मतलब आपको ऐसे इंटरवल के फॉर्म में दिए जैसे जीरो से लेके टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फिफ्टी फिर सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइनटी एंड कहाँ तक दी हुई है ये हंड्रेड तक दी हुई है आपको सीरीज और प्लस आपको फ्रिक्वेंसी भी गिवन है ठीक है इतनी टेबल आपको गिवन है और इसके बाद आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है ठीक है तो इस सीरीज को कहते हैं कंटिन्यूस सीरीज अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला ठीक है तो फार्मूला वही है क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू ठीक है लेकिन Q3 और Q1 कैसे निकालना है उसके लिए एक बड़ा सा थोड़ा सा फॉर्मूला है ठीक है तो हमको वो वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा सबसे पहले हम CF निकालते हैं ठीक है जैसे जनरल हमने हमेशा CF निकाला है डिस्क्रीट uh, में भी निकाला है तो हम कंटिन्यूस में भी सी एफ निकालेंगे तो सी एफ क्या हो जाता है इन टर्म्स को ऐड करना है देखिए थ्री लिखा थ्री में पाँच ऐड किया तो कितना आया आठ आठ में सात ऐड करेंगे तो कितना आया पंद्रह पंद्रह में दस ऐड करोगे तो कितना आएगा पच्चीस पच्चीस में बारह ऐड करेंगे तो सैंतीस आएगा सैंतीस में पंद्रह ऐड करोगे तो फिफ्टी टू आएगा उसी प्रकार से फिफ्टी टू में ट्वेल्व ऐड करोगे तो सिक्सटी फोर सिक्स किया तो सेवेंटी टू सॉरी सेवेंटी सेवेंटी में टू ऐड किया तो सेवनटी टू एंड सेवेंटी टू में एट ऐड किया तो कितना आया एट्टी तो ये जो एट्टी आया ये आपका जो लास्ट टर्म आया ये आपका कैपिटल एन कहलाएगा ओके यहाँ तक ठीक है ये कैपिटल एन कहलाएगा तो ये हो गया अपना सी एफ अब आप फॉर्मूला देखिए तो देखिए आपका ये फॉर्मूला जो है क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 थ्री माइनस क्यू वन बाई टू यही है लेकिन Q1 का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया Q1 का फॉर्मूला अब चेंज हो गया क्योंकि आपके पास ये बड़ी सीरीज आ गई ना तो आपको इस सीरीज का यूज़ करना पड़ेगा तो देखिए Q1 का फॉर्मूला है L1 प्लस एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इन आई ठीक है जहां पर I क्या है क्लास डिफरेंस क्लास डिफरेंस मतलब जैसे मान लीजिए जीरो से दस के बीच में कितने का अंतर है दस का दस और बीस बीस में कितने का अंतर है दस का ट्वेंटी से लेके थर्टी में कितने का डिफरेंस है टेन का तो सब में टेन टेन का डिफरेंस है यानी आपका जो आई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा ओके okay, अब n by 4 आपको निकालना पड़ेगा सी एफ आपको निकालना पड़ेगा एफ और एलेवन आपको बताना पड़ेगा ठीक है तो ये कैसे बताएंगे हम तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं Q1 निकालते हैं तो Q1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा n बाय फोर क्यू का कौन सा वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है n बाय फोर और n की वैल्यू कितनी है 80 तो देखिए 80 बाई फोर एट्टी बाय फोर देट मीन ट्वेंटी ठीक है अब देखिए मैंने क्या लिखा है C20 ट्वेंटी इन द टेबल इन सी सी एफ वाली टेबल में हम ट्वेंटी को देखते हैं ठीक है तो आप ट्वेंटी ढूंढिए सी एफ वाली टेबल में तो सी एफ वाली टेबल में आपको ट्वेंटी तो नहीं है लेकिन हाँ ट्वेंटी से ज़्यादा ट्वेंटी से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ट्वेंटी फाइव के जो ऊपर वाली वैल्यू है वो वो आपकी क्या हो जाएगी सी एफ ठीक है तो लिख लीजिए सी एफ कितना हो गया फिफ्टीन हो गया तो सी एफ इक्वल्स टू फिफ्टीन ओके और ट्वेंटी फाइव के जस्ट सामने वाली वैल्यू वो आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी क्यों क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के टेबल में तो ट्वेंटी फाइव के सामने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन तो एफ़ कितना हो जाएगा टेन और उसी के सामने जो इंटरवल है उसका पहला वैल्यू वो क्या हो जाएगा l1 हो जाएगा तो l1 आपका कितना हो जाएगा थर्टी हो जाएगा ओके समझ में आया देखिए जो आपका यहाँ से क्यू वन की वैल्यू आई थी ट्वेंटी तो ट्वेंटी को आपने यहाँ ढूंढा लेकिन आपको ट्वेंटी नहीं मिला ट्वेंटी से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा मिला ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी सी एफ ठीक है और जो एफ है वो आपकी ट्वेंटी फाइव के सामने वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी और जो आपका एल वन है वो आपका इस फ्रिक्वेंसी के सामने वाला लोअर वैल्यू हो जाएगा एल मतलब होता है लोअर क्लास लोअर क्लास तो लोअर क्लास कौन सी है थर्टी क्योंकि फोर्टी तो ज़्यादा है तो लोअर क्लास कौन सी हुई थर्टी ओके तो अब ये सारी वैल्यू उठा के आपको फॉर्मूले में रखनी है और आई की वैल्यू कितनी टेन क्योंकि इंटरवल के बीच का अंतर कितना है दस तो देखिए l1 हो गया थर्टी सी एफ हो गया पंद्रह एफ हो गया टेन और आई हो गया टेन अब पुट इन फॉर्मूला वन फर्स्ट वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे सारी तो देखिए वैल्यू रखते हैं तो देखिए ये हमने वैल्यू रखी तो q1 वन इक्वल टू एलवन एन बाय फोर माइनस सी एफ इंटू आई इंटू एफ ये फॉर्मूला L1 की वैल्यू ठीक है यहाँ देख लीजिए ये पूरी वैल्यूज़ निकाली है ये सारी वैल्यू रखनी है हमें एन बाई फोर एन बाय फोर आपका कितना आया था ट्वेंटी आया था तो ट्वेंटी सी एफ़ की वैल्यू कितनी पंद्रह एफ़ की वैल्यू कितनी दस और आई की वैल्यू भी कितनी दस ये देखिए ये सारी वैल्यूज आपने रख दी ओके अब देखिए क्या होगा ये टेन से ये टेन कैंसिल और ट्वेंटी में से फिफ्टीन गए तो कितने बचे पाँच तो थर्टी प्लस का पाँच तो थर्टी प्लस पाँच कितना हो जाएगा थर्टी फाइव तो क्यू वन की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी फाइव तो एक वैल्यू आपको मिल गई अब आपको Q3 भी इसी प्रकार निकालना है ओके तो देखिए जैसे आपने Q1 का फॉर्मूला लिखा है उसी प्रकार से आप Q3 का भी फॉर्मूला लिखेंगे है ना बस अंतर क्या हो जाएगा कि यहां पर आपने n by 4 लिखा था, तो यहां पर थ्री एन बाय फोर बस इतना अंतर है ठीक है जहां आपने n बाय फोर लिखा था वहां थ्री एन बाय फोर तो Q3 निकालने के लिए आपको Q3 थ्री डैश निकालना पड़ता है मतलब ये थ्री एन बाय फोर तभी आप इस टेबल से अंदाजा लगा पाएंगे ओके तो सबसे पहले आपको थ्री एन बाय फोर निकालना है तो थ्री एन की वैल्यू कितनी है आपके पास एन की वैल्यू कितनी है एट्टी तो एट्टी अपॉन फोर तो काटिए इसको कैंसिल करिए वैल्यू को फोर टू जै एट ट्वेंटी इंटू थ्री तो थ्री इंटू ट्वेंटी कितना हो जाएगा सिक्सटी अब आप इस वाली वैल्यू को जैसे अपन ने क्यू वन में ढूंढा था वैसे ही इस वाली वैल्यू को टेबल में ढूंढने की कोशिश करिए किसको ढूंढ रहे हैं आप सिक्सटी को ढूंढ रहे हैं टेबल में तो देखिए टेबल में कौन से देखना है सी एफ में देखना है तो सी एफ में देखिए सिक्सटी कहाँ मिल रहा है आपको तो आपको यहाँ मिल रहा है सिक्सटी तो नहीं मिल रहा लेकिन सिक्सटी से थोड़ा सा ज़्यादा कौन मिल रहा है सिक्सटी फोर मिल रहा है ठीक है तो सिक्सटी फोर के सामने वाली जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी फ्रिक्वेंसी ठीक है और एलेवन कितना हो जाएगा सिक्स ट्वेल्व के सामने वाला जो लोअर इंटरवल है वो हो जाएगा आपका एलेवन ओके समझ में आया आपको तो देखिए सिक्सटी के सिक्सटी के जैसा जो नंबर मिला आपको 64 मिला उसके ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी सी एफ तो सी एफ कितना हो जाएगा? 52. ये हम किसकी बात कर रहे हैं क्यू थ्री की तो क्यों थ्री के लिए ये सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होंगी है ना तो पहले हमने 60 निकाला, 60 निकाला को इसमें मैच कराया तो 64 उसके ऊपर आया 52 तो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 52 3n थ्री एन बाय फोर की वैल्यू कितनी 3n एन बाय फोर की वैल्यू कितनी 60 तो यहाँ रखेंगे 60 बीच में माइनस और f f की वैल्यू कितनी है 12 तो f की जगह 12 रखोगे आप i मतलब इंटरवल का डिफरेंस डिफरेंस कितना है 10 और l1 मतलब 60 तो l1 की वैल्यू कितनी रहोगी 60 ये सारी वैल्यू रख के हम सॉल्व करते हैं ओके देखते हैं क्या आता है तो देखिए यहाँ पर ये q q3 का फॉर्मूला हमने लगाया ठीक है सारी वैल्यूज जो है वो टेबल में से हमने देख ली कि l1 cf f और q3 मतलब थ्री एन की वैल्यू इतनी आई ये चारों वैल्यू उठा के आप फॉर्मुले में रखोगे तो सारी वैल्यूज फॉर्मुले में रखी आपने ठीक है अब देखो सिक्सटी माइनस फिफ्टी टू कितना हो गया एट इंटू टेन अपॉन ट्वेल्व है ना अब इसको सॉल्व करेंगे तो एट टेन का कितना एट्टी अपॉन ट्वेल्व एट्टी को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन ओके मतलब ऐसे बेसिकली ये इतना आ रहा है सिक्स 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 आगे जाता जाएगा ठीक है तो आप इसको क्या करो सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स ही मान लो और सिक्सटी क्या कर दो ऐड कर दो तो सिक्सटी प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स हो जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स तो आपका क्यू थ्री कितना आया इतना ठीक है अब आपको फॉर्मूला लगाना है क्वार्टल डेविएशन का क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है क्यू डी थ्री माइनस क्यू वन अपॉइंट टू ओके तो क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला क्यू थ्री की वैल्यू इतनी आई है क्यू वन की वैल्यू थर्टी फाइव अपॉइंट टू करिए तो सिक्सटी सिक्स माइनस थर्टी फाइव करिए जो भी आएगा उसको टू से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा इतना तो ये आया आपका क्वार्टर डेविएशन कंटिन्यू सीरीज के लिए इसी प्रकार कोफिशेंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन निकालेंगे तो क्यू थ्री माइनस क्यू वन क्यू थ्री प्लस क्यू वन तो क्यू थ्री कितना है इतना माइनस थर्टी फाइव और सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स प्लस थर्टी फाइव करेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे वाला नंबर आएगा और दोनों को डिवाइड कर दीजिए आपस में तो आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री वन वन फोर थ्री तो ये था आपका कोफिशियंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन और क्वार्टल डेविएशन कौन सी सीरीज़ के लिए हमने तीनों सीरीज़ के लिए निकाल लिया है ओके सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो इसमें हमने तीनों मेथड्स कवर करी हैं और बहुत ही क्विक रिव्यू था ये अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी तरह के वीडियो आप प्ले में ढूंढ सकते हैं ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग